अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो बस सुना सुनाया बोल दे और वो जो है सिर्फ मनगढ़ंत कहानी अगर दी है कर दे तो फिर उसका कितना बड़ा बवाल होता है। आप इसी से ले लीजिए कि मुफ्ती हम्माद साहब ने जो है वो ये कह दिया कि वो एक फरिश्ता जो है वो अपाहिज था। फिर आप देखिए मुफ्ती हम्माद पर किस तरीके से देखिए फतवों की बौछार हुई और कितना बड़ा बवाल हुआ, नुकसान कितना हुआ। आइए आप देखिए एक मुफ्ती साहब का फतवा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुफ्ती साजिद साहब का फतवा है जो कि बलरामपुर देखिए यूपी से आया है। ये इस्लामिया दारुल इफ्ता से, इस्लामिया दारुल इफ्ता से आया है। मुफ्ती साजिद साहब देखिए क़िबला उसमें बैठते हैं, तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती हम्माद साहब ने ये कहा है कि एक फरिश्ता के देखिए अपाहिज है। उन्होंने देखिए लिखा, आप फरमाते हैं कि किसी फरिश्ते को अपाहिज कहना ये फरिश्ते की शान में तोहीन है, और फरिश्तों की शान में थोड़ी सी भी तोहीन करना ये जो है ये जो है बंदे को इस्लाम से खारिज कर देता है और उसका निकाह भी टूट जाता है, उसकी बैत भी टूट जाती है। और हजरत ने लिखा कि उसके हाथ का ज़िबा भी ज़बीहा जो है अगर उसने कोई ज़िबा कर दिया जानवर तो वो भी खाना जायज़ नहीं होगा। मुफ्ती हम्माद साहब आपने देखिए इस तरीके से इतनी बड़ी गलती कर दी और आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर मशवरा देता हूँ, आप तो बड़े काबिल आदमी हैं तो फिर आपको करना चाहिए था, आपको देखिए उसका क्वालिफिकेशन करना चाहिए था, आपको वेरिफिकेशन करना चाहिए था उसका, तो आपको इस तरीके से देखिए बोल करके बड़ा नुकसान हुआ। मुफ्ती हम्माद साहब ने अगरचे देखिए आपने बोल दिया लेकिन साजिद साहब के फतवे से देखिए आप किस कदर देखिए किसी किसे रोकेंगे, क्या करेंगे, रोकने का मामला नहीं है। अच्छा फिर देखिए दूसरी चीज़ ये है कि बंदे के अंदर जो है, अच्छा तोबा किसको कहते हैं, तोबा कहते हैं इज्जो इनकसारी को। बताया गया कि अभी पीछे जो है मुफ्ती हम्माद साहब ने जो है वो कोलकाता के एक शायर है ना वो असद इकबाल साहब, उनके एक शेर की जिसमें जो है वो एक तरीके से शियत बिल्कुल भरा हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन के दुश्मनों की देखिए उसमें बू आ रही थी और वो हज़रत जो है मुफ्ती हम्माद साहब ने उस शेर को बड़ा सपोर्ट उसके किया, गले लगाया, हार डाले, लोगों को वो भी पसंद देखिए नहीं आया और हकीकत थी। अच्छा जो भी मुफ्ती हम्माद साहब पर हो रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देख जलनापन है और ये उनसे जलन है, ऐसा नहीं है भाई, ये हकीकत है और यही क्या देखिए शरीयत है। अगर आज नहीं रोका जाएगा तो कल क्या क्या बोल देंगे ये अल्लाह के देखिए बेहतर जानता है। लिहाजा मुफ्ती हम्माद साहब का देखिए अब आखिरी रुख ये है कि उनको चाहिए कि वो फतवा, उनको चाहिए कि वो तौबा करें। अलल ऐलान तौबा करने के लिए मुफ्ती साहब साजिद साहब बिसबाही ने देखिए उसमें कहा है कि वो अलल ऐलान तौबा करें और जब तक जो है देखिए वो तकरीर वगैरह ना करें, जब तक कि वो क्या देखिए अलल ऐलान जो है सबके सामने तौबा ना कर लें। मुफ्ती साहब को ये चाहिए। और देखिए फिर ये है कि मुसलमानों को मुसलमानों से कहा गया है कि वो मुफ्ती हम्माद का बाइकाट करें, उनको देखिए जब तक तकरीर करने ना दें जब तक कि वो अपनी रविश पर के देखिए सही माना में ना जाएं, यानी तौबा वगैरह देखिए ना कर लें। मुफ्ती हम्माद को चाहिए। इससे पहले मैंने बता जिक्र किया था कि देखिए कोलकाता के शायर का उन्होंने जो है देखिए सपोर्ट किया जिसमें रावजियत की बू भरी हुई थी, रावजियत के देखिए वो शेर रावजियत के खून में छना, रावजियत के देखिए वो सुन्नियत हुसैनियत के खून में देखिए बिल्कुल जो है वो इस तरीके से जो है छना हुआ था और मुफ्ती हम्माद ने उसको सपोर्ट कर दिया। बाद में फिर हमारे साथियों ने बताया कि उन्होंने तौबा कर ली थी लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो तौबा थी, वो तौबा इस तरीके से कर रहे थे जैसे कि वो बंदों से माफ़ी मांग रहे हैं, बंदे से नहीं मांग रहे हैं अल्लाह से मांगते हैं। आप जानते हैं आपको सब कुछ देखे बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी इस बात की ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल करें कि हमारे लिए आफियत और हमारे लिए देखिए सुकून का सबब बनेगी। गुजारिश है सबके लिए को दूसरों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।